दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस के लिए सूंघने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। चीन ने कैंसिनो के AD5-nCoV को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी भी दे दी है। यह वैक्सीन सूंघ कर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। चीन तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा एक COVID-19 वैक्सीन तैयार की गई है। यह दुनिया का पहला वैक्सीन है जो सांसों द्वारा बचाव करता है। चीन इसके उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश भी बन गया है। इस वजह से हांगकांग में सोमवार सुबह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के शेयरों में 14.5% का उछाल देखा गया। कंपनी ने रविवार को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक बयान में कहा कि चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने कैंसिनो के AD5-nCoV को बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह कैंसिनो की वैक्सीन श्रृंखला में सिंगल डोज वैक्सीन का नया संस्करण है। पहले संस्करण का मार्च 2020 में इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया था और फरवरी 2021 में इसे चीन के साथ ही मेक्सिको, पाकिस्तान, मलेशिया और हंगरी में इस्तेमाल किया गया। कैंसिनो का दावा है कि सूंघने वाला वैक्सीन सेलुलर प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, साथ ही ट्रॉमसेक्युलर इंजेक्शन के बिना सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए म्यूकोसल प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। इंजेक्शन मुक्त पहला टीका कई कंपनियां कोरोना वायरस से बचाव के लिए नाक के उत्कों में एंटीबॉडी के प्रभावित करने वाले टीकों को विकसित करने पर विचार कर रही है। ये टीके इंजेक्शन मुक्त होने की वजह से ज्यादा लोगों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेने में झिझकते हैं। इससे कोविड वायरस पर से भी दबाव कम होने की संभावना है। कैंसिनो का प्रारंभिक वन शॉट वैक्सीन COVID-19 के लक्षणों को रोकने में 66% और गंभीर बीमारी के खिलाफ 91% प्रभावी पाया गया है। यह चीन के बाहर उपयोग में सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड और राज्य के स्वामित्व वाली सिनोफार्म ग्रुप कंपनियों के टीकों के पीछे है। चीन द्वारा दुनिया भर को भेजी गई 770 मिलियन खुराक में से अधिकांश इन दो कंपनियों के ही टीके हैं।